हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इरा स्पेशल। इरा स्पेशल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक रेसिपी दिखाऊंगी, जो देखकर आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी। वो बचपन में हम सब ये खुशी खुशी खाते थे। ये है छना का गुजिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मुझे चाहिए 500 ml दूध का छना, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और पिसी हुई चीनी जरूरत के अनुसार 4-5 टेबलस्पून, और कुछ नहीं चाहिए। पहले मैं इस छाना को तैयार करके रखी हूँ। विनेगर डाल के इसको मैं मिक्सी में दे के थोड़ा पीस लूँगी, जिससे वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। हाथ में पीसने से भी होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं इसको मिक्सी में दे के थोड़ा पीस लूँगी। सॉफ्ट हो जाएगा ज़्यादा, हथेलियों से पीसने से होता है मगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हो गया, इसी तरह होगा, स्मूथ है, एकदम स्मूथ। इस बार मैं इसको पैन में डाल के थोड़ा पकाऊंगी, फिर एक एक करके सब सामान मिसाऊंगी इसके साथ और गुजिया बनाऊंगी। पहले मैं गैस जला देती हूँ, पैन गरम कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी घी डाल देती हूँ, ये चुपके ना। हलवाई का दुकान में ये पहले बहुत बिकता था और बच्चे लोग ये खुशी खुशी सब बच्चा खाते थे। अब तो बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं खाने के लिए। मगर हलवाई इसको बनाते हैं मावा देके, मैं इसको छना देके बनाऊंगी। हेल्दी होगा और खाने में बहुत टेस्टी भी होगा। फ्लेम को पहले कम कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ा पका लूंगी। मैं थोड़ा मिक्सी में दूध डाल के ये सब इकट्ठा कर ली और वो भी इसमें दे दूंगी, थोड़ा सा दूध। मिक्सी भी साफ हो गया और ये जरूरत पड़ेगा।
थोड़ा सा दूध इसमें, हाथ धो लेती हूँ मैं। फ्लेम को मैं मीडियम करके, मीडियम करके मैं इसको पकाऊंगी। थोड़ा पकने के बाद इसके साथ मैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मिला दूंगी। इसको मैं इसके साथ मिला के थोड़ा पकाऊंगी। गैस का फ्लेम मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, सिम कर देती हूँ। इस बार मैं इसके साथ पहले 4 टेबलस्पून पिसा हुआ चीनी, मिला दूंगी। बाद में लगेगा तो और थोड़ा दे दूंगी। चीनी देने से थोड़ा पतला हो जाएगा। इसको मैं एकदम पका लूंगी, ये थोड़ा कड़क बनेगा इसीलिए ज़्यादा पकाना होगा इसको। फ्लेम लो ही रहेगा। देखिए चीनी मिलाने के बाद थोड़ा पतला हो गया। इसको मैं पका के एकदम सख्त डो की तरह कर लूंगी। इस तरह देखिए, इस तरह डो होगा, इस तरह होगा। ये पैन से सब उठ गया, कुछ भी नहीं है। इस तरह डो होगा। इसको मैं पहले गैस ऑफ कर देती हूँ, देके थोड़ा और भी स्पैचुला चलाऊंगी। ये 4 चम्मच चीनी से ही हो गया, और नहीं लगा है। इसको मैं एक थाली में थोड़ा घी देके इसमें मैं डाल दूंगी, और ठंडा होने के बाद मैं गुजिया के शेप में इसको बना लूंगी। पहले मैं इसको
थाली में डाल के ठंडा कर लूंगी। मेरा गुजिया का डो ठंडा हो गया, थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा अभी भी गर्म है। इस पोजीशन में मैं इसको बना लूँगी, नहीं तो ज़्यादा कड़क हो जाएगा, बनाने में दिक्कत होगा। थोड़ा स्मूथ पहले एक बॉल बनाना पड़ेगा, फिर इसको इसी तरह लंबा करके इसी तरह पहले इसको थोड़ा हाथ में दबा दबा के स्मूथ कर लेना होगा। एक छोटा सा बॉल, फिर इसको मैं लंबा कर लूँगी इस तरह, फिर इसको इसके साथ मिला दूँगी। ये कलकत्ता में हर हलवाई के दुकान में मिलता था, और बच्चे लोग बहुत पसंद करते थे। अगर आप ये बचपन में खाए हो तो आपका बचपन का याद ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे छोटा छोटा क्यूट सा गुजिया बनके तैयार हो गया। ये लास्ट वाला मैं बना के फिर प्लेट में सजा दूंगी। हाफ लीटर दूध से कितने सारे गुजिया, बच्चे खा के खुश हो जाएगा। छोटा छोटा प्यारा प्यारा मैं इसको सजा देती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी छेना का गुजिया बनके तैयार हो गया। हाफ लीटर दूध से देखिए कितना सारा गुजिया बनके तैयार हो गया। आपको ये अच्छा लगे, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको बनाइए, और आपको बचपन याद आ जाए तो आप आपके घर में जो बच्चे हैं उसको बना के खिलाइए, वो भी खुश हो जाएगा खा के। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़।